नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी स्किप ना करें, स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियली वेबसाइट देख सकते हो, सभी जानते हो HSSC की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें कौन कौन सी पोस्टें ओपन हुई हैं जी, डेट भी देख सकते हो, एडवर्टाइज नंबर भी देख सकते हो। इसमें एडवर्टाइज नंबर ये लिखा जी पूरे का पूरा, ठीक है, और 6 अगस्त से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 21 अगस्त तक आप शाम के 5 बजे तक कर सकते हो। और इसमें पोस्टें कौन सी हैं जी, लो ऑफिसर की पोस्टें हैं, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्टें, 1 साल के लिए करना है आपकी चॉइस, नहीं करना तो भी आपकी चॉइस है। 50,000 आपका पर मंथ फीस रहने वाली है, बट इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 50,000 आपका पे स्केल रहने वाला है। क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीजन में 10th, फर्स्ट डिवीजन में ही 12th पास हो, और फर्स्ट डिवीजन में ही आपकी LLB पास होनी चाहिए। क्या जी, आपकी LLB इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी से पास होनी चाहिए। और इसमें 20 पोस्टें जनरल की 7, SC की 3, BCA की 2, BCB की 2, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 2, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2, एक्स सर्विसमैन SC की 1 और एक्स सर्विसमैन BCA की 1। 3 साल का इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट में आपका एज ए एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का, या फिर लीगल असिस्टेंट या लॉ ऑफिसर के तौर पर किसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, या कंबाइंड एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, ये ऊपर वाले दोनों हो तो भी चलेगा। और ओवरऑल कैंडिडेट को इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट्स और रिप्लाइज करने का क्विकली कैंडिडेट को आना चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन इन लीगल फील्ड में होनी आपकी जरूरी है, ठीक है। और कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट मैटर शैल बी प्रेफर्ड, अगर एक्सपीरियंस इसी मैटर में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम एज है जी 45-42 साल मांगी हुई है, 25 फरवरी 2022 तक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाला है, मे बी ये टर्मिनेट हो सकता है, मे बी ये एक्सटेंड हो सकता है, मे बी, मैंने वर्ड यूज किया जी मे बी, कन्फर्म नहीं है। और कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया शैल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन लेटर नाउ, कमीशन की वेबसाइट पर आपको ये नोटिफाई मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको वर्ड्स न्यू, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्टें भी मिल जाएंगी, ठीक है जी। और इसमें ये देख सकते हो, फर्स्ट डिवीजन में आपकी 10th होनी चाहिए, 12th भी फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए, LLB भी फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए, और उसके बाद मास्टर डिग्री LLB है वो बैचलर डिग्री है, ये LLM है तो ये सेकंड डिवीजन में हो तो भी चलेगी। और उसके बाद आपका इशूड बाय हरियाणा डोमोसाइल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका एसोसिएशन ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। कब से कब तक जाएगा जी, 1 जनवरी 2019 से लेकर 17 जनवरी 2020 के बीच का 1 साल का आपको ये एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है कम से कम, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका डिपार्टमेंट की प्रोसिक्यूशन की तरफ से बना हुआ हो, 2 साल या 4 महीने के करीबन ये एरिया बनता है। अगर ये भी है तो भी आप अप्लाई एज ए लॉयर एक्सपीरियंस तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियली वेबसाइट पर देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अभी तक लिंक एक्टिव हुआ नहीं है जस्ट, और उम्मीद अभी हो जाएगा, कब से कब तक है ये देख लेते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पूरी जानकारी जानने के लिए examjobalert.com पर भी विजिट कर सकते हो। इसमें पूरी की पूरी नोटिफिकेशन दे दी गई है, 10th 12th मांगी हुई है, LLB विद फर्स्ट डिवीजन से, और 20 पोस्टें हैं, 50,000 से 60,000 आपका पे स्केल रहने वाला है, 1 से 3 साल एज मांगी हुई है, और 6 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जी, 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। हरियाणा की ऑफिशियली साइट HSSC की ऑफिशियली साइट से रिक्रूटमेंट में जाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई फॉर द जॉब, यहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट में जाके अपना पूरी की पूरी प्रोसेस जानकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं
तो इसमें फीस जनरल इकोनॉमिक वीकर सेशन की 100 रुपये, SC ST फीमेल की कोई भी फीस नहीं है। ये पूरा क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। इसमें 18 से 42 साल 21 अगस्त तक आपकी एज मांगी हुई है, ठीक है। इसमें मे बी इसमें रिटर्न हो, बट इंटरव्यू होगा ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका होगा, ठीक है जी। और HSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपका लॉगिन होगा, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए HSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाकर यहाँ से हेल्प भी इनसे ले सकते हो। किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल में हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।